का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता। इसीलिए कहा, और उसने कहा, जब उसके आप प्रभु बोझ को लेते हो तो उसके साथ सहभागिता करते हो, उसके साथ एक हो जाते हो। तो जब परमेश्वर की संगति करते हो तो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हो। और अगर आपका आत्मा एक नहीं हुआ, आप वर्चित नहीं करोगे आत्मा के साथ, वो आत्मा नहीं होगी। इसलिए शारीरिक नहीं, आत्मा के साथ, ना बल से ना शक्ति से, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। शरीर से नहीं करनी है, आत्मा के करनी है। कि आपको रोकते रह जाए तो आप तब भी वर्चित भी करते रहो आत्मा से। शरीर से वर्चित है, साउंड डाउन हुआ शरीर भी डाउन हो गया, क्योंकि शरीर ही का पता चल गया तो बंद हो गया, चुप हो जाओ। अगर आत्मिक हो आपको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। जैसे कोई बेबी होता है, बच्चा पैदा होता है, जब उसको क्या चाहिए? एक परिवार चाहिए, वो एक परिवार के बगैर रह नहीं सकता। एक बेड़ है, बेड़ को क्या चाहिए? झुंड की जरूरत है। और एक जो असली मसीही है उसको एक अच्छी संगति की जरूरत है। जैसे भेड़ झुंड के बगैर नहीं रह सकती, वो भटकेगी, कोई भी पकड़ लेगा। और परिवार जो छोटा बच्चा है वो परिवार के बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें संगति दी है। उसने सबसे पहले क्या कहा? आदम को अपनी संगति में लिया, कहते चलो हम आदम को क्या करें, अपने जैसा बनाते, अपनी संगति में लेते, ताकि एक क्या हो, कहते हमारे समान हो जाए, ये हम जैसा हो जाए, हम इसको अपनी संगति में लेते। इसीलिए सहभागिता करनी है हमें, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो। हालेलुया। तो आप खोई हुई भेड़ थी और आप महान चरवाहे के पास आ चुके हो। संगति के प्रति लापरवाही नहीं करते लोग, लापरवाही करते संगति करते कि नहीं करते? अगर आपको पता चल गया यहीं पे मेरा हल है, एक स्थान, आज मैं बताऊंगा आपको एक स्थान, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो स्थान मैंने आराधना के लिए चुन लिया तुम्हारी, तुम उधर ही जाना, एक स्थान। और बहुत सारे लोग लापरवाही बरत रहे हैं, आज इधर कल उधर, कल उधर, कहते एक स्थान, मैं वहीं ब्लेस करूंगा। आपने पकड़ लिया एक स्थान, पकड़ लिया, अब यही से आशीष हो गया। अगर आपकी परमेश्वर के साथ सहभागिता है तो आप एक स्थान रखो। हालेलुया। जब एक स्थान पे होंगे तो परमेश्वर को भी पता होगा कि ये विश्वास में, और जो भटकता है वो विश्वासी भी नहीं। इसीलिए लोग भटकते हैं, आज भी क्रिश्चियन होते हुए भटक रहे। क्यों मैं ये बात बोलता हूँ? क्रिश्चियन क्रिश्चियन वो नहीं कि जिनको आप समझते हो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन हुआ है जो मसीही है, जो मसीह से पहले विश्वास करता है, जो सामर्थ पाया हुआ है, जो शक्ति पाया हुआ है, वो मसीह है। और मसीह हमेशा पावरफुल रहता है, उसके अंदर पावर रहती है हमेशा, वो जिस काम को हाथ लगाता है उसमें पावर होती है और वो काम होता है। हालेलुया। प्रभु ने आपको अपना होने के लिए बुलाया, केवल चर्च जाने के लिए नहीं बुलाया, विश्वास करने के लिए नहीं बुलाया। उसने क्या बोला, किस लिए? अपना करने के लिए बुलाया। कहता जो मेरे पास आएगा मैं ना उसे छोड़ूंगा तो ना मैं त्यागूंगा। उसने अपने लिए बनाया कि अपना बना ले वो आपको। जिस दिन आपने उसको अपना बना लिया तो वो आपका होकर रह जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपनी जान को दे दे। हालेलुया। लोग कहते हैं कि नहीं जी, कलीसिया में जाना, ऐसी घर जाके प्रार्थना करनी। आप दुल्हन से दोस्ती करना चाहते हो और उसकी दुल्हन से नफरत करते हो,
किसको समझ आ गया। तो उसने यही कहा कि मेरी दुल्हन से प्रेम कर, तो मेरी कलीसिया से प्रेम कर। पतरस, मेरी कलीसिया के लिए तू कर सब कुछ, मेरी कलीसिया के लिए इंतजाम कर। कलीसिया में जो बच्चे हैं, बेड़े मेमने हैं, उनको पानी पिला तू, जो बेड़े हैं उनको खाना खिला तू, उनको चरा तू, चरवाही कर उनकी। सारा काम परमेश्वर ने कलीसिया के लिए, दान वरदान किसको दिए? कलीसिया को दिए। तो लोग कहते हैं कलीसिया में हम जाना नहीं चाहते, इसलिए वो क्या है, वो अंग है, वो डाली है जो साथ में तो है मगर सूखी हुई है, वो काट दे। कितने जन सब, इसीलिए लोग चर्च में जाते हैं और सूखे हुए हैं, सूखे अंग है, सूखे फाइनेंस है, सूखी जगह ढूंढते हैं। कल्ले रहना जी है? मैंने आपको बताया कि जब बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा, कहते जब एक दुष्ट आत्मा किसी में से निकल जाता है तो वो सूखी जगह ढूंढता है, वो तो जब उसको कोई सूखी जगह नहीं ना मिलती वो वापिस उठता है और अपने साथ और पावरफुल सेना को लेके आती है, 4-5 बंदों को, 7 बंदों और भयानक दुष्ट आत्मा को जगह खाली करवाने। संगति की जरूरत है, बोलो अपने पड़ोसी, बोलो अच्छी संगति, सामर्थ्य संगति, जहां पे यीशु मसीह बताता है कि मैं यहां पे हूं, मुझे वो संगति लेनी है, मुझे वो संगति पकड़नी है, मुझे उसी में रहना है, मुझे उसी में सहभागिता करनी है, उसी की सदस्यता लेनी है। क्या परमेश्वर की मेंबरशिप है हमारे पास? बताओ। इसीलिए आज लोग दुखी और उदास हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ, स्वर्ग के साथ मेंबरशिप नहीं होती। उन्होंने कभी संबंध नहीं बनाया, कभी सहभागिता नहीं, सहभागी नहीं हुए उसके, उसका सहभागी मतलब उसका भाग नहीं बने कभी कभी। परमेश्वर के कामों के का भाग नहीं बने, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए उसके उस लोगों के साथ सहभागी नहीं हुए हम। इसीलिए लोग क्या है, दुखी है। इसीलिए उसने कहा कि पिता का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता, कहते पिता का प्यार भी चाहिए, पवित्र आत्मा की सहभागिता। फिर क्या होगा? यदि आप उसके हर काम में भागी हो तो वो भी आपके हर काम में भागी होगा, और जिस काम को तू हाथ लगाएगा तो लिखा उसमें मैं आशीष दूँ। हालेलुया। यूसुफ की सहभागिता परमेश्वर के साथ थी, दाऊद की थी, अब्राहम की थी, मूसा की थी, इसीलिए जो जो वो कहते थे परमेश्वर को करना पड़ता था, चाहे वो जबरदस्ती भी बोले, जिद से भी बोले, तब भी वो करता था परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उसकी सहभागिता थी। परमेश्वर ने वहां से छुड़ाया मिस्रियों से और उसको एक कलीसिया दी, मूसा को बोला मेरी कलीसिया मैं आप बनाऊंगा, चल लेके चल मेरी कलीसिया को, जो मेरी कलीसिया के लोग, तो मूसा को एक बड़ी कलीसिया दी। जब वो ना चाहते हुए भी, वो कुछ लोग ना चाहते हुए, कुछ लोग चाहते हुए भी उसके जब सहभागी हुए तो सबको मन्ना मिला, जरूरतों के टाइम उनके लिए स्वर्ग खोले गए, चट्टाने खोले गए, रास्ते खोले गए, मार्ग खोले गए, और खाना दिया गया उन्हें, उनकी जो जरूरतें थी उनको पूरा किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सहभागिता की थी, उन्होंने मूसा की बात को माना। आज हर व्यक्ति, ज्यादातर लोग अपने मूसा आप है, अपने प्रभु आप है, वो उनकी अपने आप पे प्रभुता चलती है। मन करेगा तो प्रार्थना करेंगे, मन करेगा तो बाइबल पढ़ेंगे, मन करेगा तो चर्च जाएंगे, मन करेगा तो कुछ करेंगे, मन नहीं करना, क्योंकि वो अपने मन के अधीन है। बल्कि परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे मन के अनुसार नहीं, तुम बाइबल, जो मेरा मन है, तो आप बाइबल के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हो सको। हालेलुया। इसीलिए कहा कि मन सब बातों में चंचल है, वो भटकता है। आज लोगों की प्रभुता, वो ये नहीं कहते कि हम तो क्या कहते हैं, प्रभु, प्रभु का मतलब क्या है, प्रभुता करने वाला, जो आप पे प्रभुता करते हैं। हालेलुया। कौन है प्रभु? जो प्रभुता करता है आपके, आपके ऊपर जो अधीन, जिसके अधीन हुआ वो प्रभु। कई लोग अपने मालिक को प्रभु कहते हैं, प्रभु क्यों? क्योंकि वो उसका अंग आता होता, उसको खाना पीना देता, उसको सब कुछ देता। इसलिए उस समय में राजा को भी प्रभु कहते थे लोग, अपने मालिक को भी प्रभु कहते थे। वो मारते भी थे तब भी वो प्रभु कहते थे उसे। क्यों? क्योंकि वो उनके घर, उनके वो नौकर थे, उनके गुलाम थे, वो उनको खाना पीना सब जरूरतें उनका मालिक करता था, इसलिए उसको प्रभु कहते थे। तो प्रभु कौन है? जो हम पे प्रभुता करता है।
इसलिए उसको कहा प्रभु में प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, बहुत सारे प्रभु हैं पृथ्वी पे, मगर प्रभुओं का प्रभु बाइबल कहती है यीशु मसीह, उसके जैसा कोई नहीं है। कोई लेके छीन लेगा मगर वो देके कभी छीनेगा नहीं। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर का वचन हमारे पर प्रभुता करता है? क्या हम परमेश्वर के वचन के अधीन हैं? लोग यीशु मसीह को ढूंढते हैं, ये वचन ही यीशु मसीह है। जब देहधारी थी वो यीशु था। आज लोग कहते नहीं जी अभी वचन नहीं मानते, बाइबल नहीं मानते, अभी यीशु मसीह नहीं मानते। वचन यीशु मसीह है, जब वो खुलता है, वो आपके पास आता है तो प्रकाश होता है, तब आपको समझ होती है। जब वो यहाँ पे आपके आपको हीलिंग बताता है, आपको आपको टेस्टिमनी सुना सुनने के लिए देता है, आपके बीच में चमत्कार करता है, वो यीशु है जिसको लोग ढूंढते घरों में बैठकर। स्वर्गदूत कहता वहां पे जाओ, फिर वो जब संगति में गई तो वहां पे यीशु मसीह वहां पे उनको मिला। आज लोग कहां ढूंढते हैं? अकेले, इसीलिए अकेले है। बाइबल कहती है वो गिरे हुए को खड़ा करता है, इसीलिए करता है ताकि उसको गिरे हुए को खड़ा करे। उसको अब वो क्या बोलेगा? बोलते जा जाके अब शिलोह के कुंड में चला जा, जा अब जाके मूसा को दिखा, मतलब जा संगति कर जाके, अब सहभागिता कर, अच्छा चर्च में जा। तो बीमार है, चार पाई उठाई उसने, बीमार था उसके चार पाई उठाई, कहते जाप संगति कर जा। कोरी को शुद्ध किया, उसको कहा जाप साथ जाके संगति कर, मूसा को बता जाके। कितने जन समझ रहे? ये जो संगति है, जो चर्च है, इसीलिए है। और जब हम उस शब्द को बोलते हैं गिरजा, गिरजा घर, क्या बोलते हैं? पता सबने सुना गिरजाघर क्या होता है? गिरजाघर कहते जाके अपने पापों से तोबा कर और मसीह के आगे जाके गिर जा, वो तुझे उठाएगा और फिर खड़ा करेगा। उस घर में जा जहां में तू गिरेगा और वो तुझे उठाएगा, वो गिरे हुए को उठाता है और खड़ा करता है। लोग सीधा बोले गिर जाएगा, इसलिए कहा वहां पे जा और गिर जा, वहां पे परमेश्वर के चरणों में जाके गिर जा, वो तुझे उठाएगा। जब वो तुझे उठाएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे गिरा नहीं सकती, जब वो उठाएगा। इसीलिए गिरना हमें पापों से तोबा करनी है। गिरजाघर वो स्थान है जहाँ पे जो पापी लोग हैं वो आके तोबा करते हैं, वो आके पश्चाताप करते हैं और अपने जीवन को लेते हैं, वो है गिरजाघर, वो है चर्च जहाँ पे चार लोग इकट्ठे उनके सामने वो उनसे पश्चाताप करता, सबके सामने लोगों के बीच में। हालेलुया। इसीलिए सहभागिता करनी, हमें चर्च में आना जरूरी है। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास आने का चिन्ह क्या होगा? उसने कहा जब तुम उस स्थान में जाओगे जहां पे जो मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, तो वहां पे क्या होगा? देखा, सबसे पहले तुम्हारा बोझ उठाया जाएगा, आपके सिर से बोझ उतारा जाएगा, आपकी टेंशनें दूर होंगी, आपकी बीमारियां दूर होंगी, आपके फाइनेंस दूर होंगे, क्योंकि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जब ये बातें हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं, जब हमारी प्रॉब्लम्स जाना शुरू हो जाती है, इसका मतलब यीशु मसीह यहीं पे है। इसलिए उसने कहा कि तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा, मुझे अपनी चिंता दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो। और जब हमारा जाता है, इसका मतलब यहीं पे यीशु मसीह, उसी जगह पे यीशु मसीह, जहाँ पे वो हमारे बोझ को उतार के फेंक देता है, जहाँ पे वो हमें हीलिंग देता है, जहाँ पे वो हमें ब्लेस करता है, जहाँ पे टेंशन दूर हो जाती है, डिप्रेशन का आत्मा चला जाता है। कई बार हमें पता नहीं होता है कि हम कहां पे हैं, इसलिए कहा वो एक स्थान जो मैंने तुम्हारे लिए चुन के रखा, कनान देश चुन के रखा था परमेश्वर ने, इजराइलों के लिए चुन के रखा हुआ था, और उसी स्थान में लेके आया। रास्ते में कितने देश आए, कितने शहर आए, कितने नगर आए, परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, इसी में नहीं रुकना, मैंने अलग सा स्थान चुन के रखा जहां पे तुम्हारा बोझ भी उतरेगा और तुम्हें किसी भी बलि वस्तु की कमी ना हो, उस जगह पे लेके जाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए अपने पड़ोसी से बोलो सहभागिता करनी है, चर्च में जाना है। हालेलुया। कहां जाना हमें? चर्च।
कहते विश्वास करना नहीं बल्कि यीशु मसीह के साथ जुड़कर और उसका हिस्सा बने। ये अकेला विश्वास नहीं, तो आज सारे विश्वासी बैठे हैं, किसी से भी पूछ लो, उसे बोल रहा हूँ विश्वास करो, विश्वास कर दे ताई ताई है। ये तो सारी दुनिया विश्वासी है, सब सारे रब नू मानते ने, मगर प्रॉब्लम सारी है विश्वासी नहीं, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनना है। आमीन, आमीन। इसीलिए उसने पुत्र और पुत्रियां बनाया ताकि हम स्वर्गीय परिवार का एक हिस्सा बन सके, हम एक परिवार हो सके। उसने क्या कहा, वो परिवार को और घराने को आशीष दे दो। वो चाहता है आपके परिवार और घराने बने, वो चाहता है झुंड को, कहते हे छोटे झुंड तुम मत डर, क्योंकि परमेश्वर को यही पाया कि तुझे क्या, तुझे राज्य मिले। आमीन।